हेलो, कैसे हैं आप सब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं पूरा अपना दिन कैसे डिवाइड करती हूँ अपने कामों में, एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ यूट्यूबर और बहुत कुछ। एक वुमन के बहुत सारे रोल होते हैं, तो मैं आज आपको लोगों को बताऊंगी कि मैं अपना टाइम कैसे निकालती हूँ अपने लिए। जो हमें खुद के लिए भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है, हमें देना चाहिए, इट्स कॉल्ड टाइम फॉर मी। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि मेरा सुबह से पूरा शेड्यूल कैसा होता है। स्कूल शुरू हो गई है गुड्डू की, तो मैं मैक्सिमम 6:30-7 बजे मैं उठ जाती हूँ। उठने के बाद मैं अपना जो चाय वगैरह रूटीन है वो करती हूँ, मेरी थायराइड की मेडिसिन मैं लेती हूँ, फिर गुड्डू का टिफिन बनाती हूँ, फिर 7:30 बजे मैं गुड्डू को उठाती हूँ, फिर उसे तैयार करती हूँ, 8:15 बजे उसकी ऑटो आ जाती है, तब तक उसके साथ साथ ध्रुवी भी उठ जाती है, सत्यन भी उठ जाते हैं, तो उनका दूध चाय नाश्ता वो सब साथ में चलता रहता है, जैसे सब लोगों के घर में होता है, एक साथ 2-3 काम हमारे चलते रहते हैं। फिर इन बिटवीन सब्जी भी कट रही होती है, दूध उबल रहा होता है, कुकर की सीटियां बज रही होती है, ये सब तो कॉमन है सबके घर में। फिर गुड्डू जाता है 8:30 बजे, उसके बाद मैं मेरा काम हो गया होता है तो मैं शावर लेने जाती हूँ, वरना मैं थोड़ा लेट से जाती हूँ, मैं थोड़ी रसोई की प्रिपरेशन करके मैं शावर लेने जाती हूँ। फिर मैं शावर लेने के बाद थोड़ा पूजा पाठ करती हूँ, भगवान को थोड़ा याद करती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ उनको, उन्होंने जो मुझे लाइफ दी है उसके लिए मैं थैंक यू बोलती हूँ। फिर किचन का सारा काम हो जाता है, 10:30-11 बजे तक पूरा रसोई और झाड़ू पोछा जो होता है वो सारा हो गया होता है, और 11:30 बजे इन लोग को टिफिन जाता है, फिर रूही लंच कर लेती है, फिर 12:30 बजे गुड्डू आ जाता है, गुड्डू के साथ मैं लंच कर लेती हूँ। अगर मेरे हस्बैंड मेरी सिटी में ही वर्किंग कर रहे हैं, हमारी सिटी में ही, तो वो आ जाते हैं 1:30 बजे लंच करने के लिए, और अगर वो नहीं है तो 12:30 बजे के बाद मैं लंच करने के बाद मैं पूरा किचन साफ करके गुड्डू को 2 बजे में सुला देती हूँ। और अगर मेरे हस्बैंड हमारी सिटी में है तो 2 बजे हो जाते हैं मुझे किचन क्लीन करने में, क्योंकि वो देर से लंच लेने के लिए आते हैं, तो उस दिन थोड़ा लेट हो जाता है किचन का काम। फिर गुड्डू को सुलाने के बाद मेरा जो वीडियो का एडिटिंग होता है वो कर लेती हूँ, या फिर कोई वीडियो मुझे बनाना होता है वो मैं थोड़ा बना लेती हूँ, मेरी दूसरी जो चैनल है उस पर जो वीडियोस मैं बनाती हूँ वो बना लेती हूँ, उसके एडिटिंग कर लेती हूँ। फिर आई एम अ बिग बुक लवर, मुझे रीडिंग बहुत प्यारी है, तो उस टाइम में अगर मैं सोती नहीं हूँ तो मैं थोड़ी मेरी मनपसंद जो बुक्स हैं वो मैं पढ़ लेती हूँ, या फिर ऑनलाइन जो अभी तो एप्स हो गई है तो उनमें से कोई मैं जो एप्स मेरे पास हैं उनमें से मैं कोई बुक्स में डाउनलोड कर मैं वो थोड़ा पढ़ लेती हूँ। फिर 4 बजे में उठकर शाम की चाय, 2 सुबह के जो कपड़े धुल गए होते हैं वो फोल्ड करने होते हैं, हाउस में हेल्पर जो बर्तन साफ करके गई होती है वो मुझे रखना होता है, फिर गुड्डू को उठाती हूँ 4:30-5 बजे, उसका दूध, रूही का दूध, नाश्ता, फिर गुड्डू बाहर खेलने जाता है तो वो 7 बजे तक आ जाता है तो मैं उसे होमवर्क करवा देती हूँ, और 6:30-7 बजे तक मैं डिनर की तैयारी कर लेती हूँ, और उस टाइम पे अगर हस्बैंड वर्किंग से आ जाते हैं तो उनकी चाय हो जाती है दोबारा, मैं भी थोड़ी पी लेती हूँ। फिर 8:30 बजे हम लोग हमारे इन-लॉज के घर जाते हैं एज रूटीन, फिर आकर हम डिनर करते हैं, फिर डिनर के बाद हम लोग छोटी सी ड्राइव पे जाते हैं बाइक पर, मैं पूरा दिन थक जाती हूँ घर पर, तो मैं वो हमारा एक शेड्यूल है कि रोज़ एक चक्कर बाइक पर लगाकर घर पे आना है, वो आने के बाद फिर हम लोग वॉक पर जाते हैं 30 मिनट, और उसके बाद 10:30-11 तक मैं गुड्डू को अंदर सुलाने के लिए ले जाती हूँ, वो सो जाता है और मेरे हस्बैंड काम कर रहे होते, तुरी पड़ रही होती है, मैं अपना एडिटिंग कर रही होती हूँ, और मैक्सिमम 12 बजे तक हम सो जाते हैं। अगर उसके बाद भी अगर हमें जगना है, अगर मेरे हस्बैंड को कुछ काम है, मेरा एडिटिंग कुछ बाकी है, तो हम लोग फिर थोड़ी कॉफ़ी पीते हैं, काम ख़त्म करते हैं, कुछ बातें करते हैं, फिर 12:30-12 बजे तक हम लोग सो जाते हैं। तो ये था मेरा पूरा शेड्यूल एज अ वाइफ, एज अ मदर, एज अ यूट्यूबर और एज अ मी टाइम। अपने स्किन को
मेरे शेड्यूल में मेरे मैं अपने स्किन को जो पैम्परिंग करती हूँ वो भी आ जाता है। मैंने अपना मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन आप लोगों के साथ शेयर किया है, मैं अब नाइट स्किन केयर रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जल्द ही। तो ये सारा काम रहता है। और आज अभी आज 15 नवंबर है और अभी सुबह के 11:15 बजे हैं। किचन में सारा काम हो गया है, रसोई पूरी तरह से बन चुकी है और बस अब ये इतना वीडियो कंप्लीट करने के बाद मैं झाड़ू पोछा करने वाली हूँ। आज थोड़ा देर हो गई मुझसे और बस देखिए ये था मेरा पूरा शेड्यूल। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा।